बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि पति ने ही अपने दो बच्चों समेत पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, हत्या की है उनकी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली गई। तो कल्याणपुर इलाके की घटना है, लखनऊ का मामला, जहां पर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। कलह से एक पूरा परिवार खत्म हो गया है। खुद पति ने अपनी पत्नी और अपने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो लखनऊ के कल्याणपुर इलाके का यह मामला है, जहां पर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है और इस हत्या को खुद पति ने यहां पर अंजाम दिया है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये दुखद घटना है। ये पिंटू गुप्ता नाम का व्यक्ति है। 32 वर्ष लगभग उम्र होगी, ओरिजिनली रहने वाला वाराणसी का है, जिसने अपनी पत्नी और दो बच्चों को, एक 6 साल और एक 8 साल के बच्चे को मारकर और खुद हैंग कर गया है और अपने मुंह पर काला कपड़ा डालकर और पंखे को खोलने के उपरांत उसी से अपने को हैंग किया है। सुबह जब ऊपर रहने वाले व्यक्ति ने देखा है तो उसने फिर इन्फॉर्म किया इनके फादर को और पुलिस को। तो लखनऊ के कल्याणपुर इलाके का यह मामला है और एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है, जहां पति ने ही अपने दो मासूम बच्चों को और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तो पारिवारिक कलह इस हत्या के पीछे की वजह बताई जा रही है कि पारिवारिक कलह और इसी के चलते पति ने ये रास्ता चुना और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो तस्वीरें आपको उस इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर ये आज पूरा परिवार खत्म हो गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी गगन मिश्रा का। गगन, अभी क्या अपडेट इस पूरी खबर पर और क्या परिजनों को इस बात की जानकारी दे दी गई है, क्या सच में ये पारिवारिक कलह ही है इसके पीछे की वजह? देखिए, फिलहाल पुलिस ने चारों बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी तरह से जितने भी पुलिस फोर्स है वो हर पहलू में जांच कर रही है कि आखिरकार क्या जो पिता है, जो पिंटू गुप्ता है, उसी ने अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों की हत्या करके खुद को पंखे से लटका लिया या कुछ और कारण है। लेकिन आपको बता दें कि ऋतु, जिस तरह से बीते 3 साल से ये पिंटू गुप्ता लखनऊ के कल्याणपुर में रह रहा था और अपने ही मकान मालिक की गाड़ी चला रहा था और अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन कल रात को क्या उसके घर पे घटित हुआ, कैसे विवाद बढ़ा, जिसपे विवाद इस अंत पर आकर रुका कि अपने उसने दो मासूम, जो एक 8 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है, उसको तकिए से गला उसका मुंह ढक कर उसको उसकी हत्या कर दी, बाकी अपनी पत्नी का गला दबा के हत्या की, खुद उसने अपनी मौत को गगन क्या जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत में कोई जानकारी हासिल हो पाई हो? जैसा कि आप कह रहे हैं 3 साल से लखनऊ के कल्याणपुर में ये रह रहा था, क्या पहले भी इसी तरह का कोई विवाद उनके बीच में हुआ जिससे स्थानीय लोगों को शक हो? देखिए, वैसे आस पड़ोस से बातचीत में यही पता चला कि आए दिन पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ करता था, क्योंकि आर्थिक तंगी से पूरा परिवार जूझ रहा था और ई रिक्शा चला करते पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, क्योंकि बनारस का रहने वाला था और लखनऊ में रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था उससे साफ तौर पर उसके पड़ोसियों का यही कहना है कि आर्थिक तंगी से काफी समय से जूझ रहा था, जिसको लेकर अपने पति पत्नी के बीच में काफी विवाद हुआ करता था। इसी के चलते कल रात को, देर रात को विवाद इतना बढ़ा कि अपने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को मार के खुद पंखे से लटक गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार वो क्या कारण थे कि जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और लखनऊ में इतनी बड़ी दिल दहला देने वाली घटना घटी, लेकिन फिलहाल पुलिस हर पहलू में जांच कर रही है कि आखिरकार क्या जो पिंटू गुप्ता था वो शराब का आदी था या शराब के नशे में उसने ये पूरी घटना क्रम किया या कुछ और इसके पहलू हैं, चाहे जिसमें दिल्ली जैसे दिल्ली में घटना हुई थी जिसमें तंत्र विद्या भी कारण माना गया। सवाल कई खड़े होते हैं, देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई फिलहाल गगन यहां कहां पहुंचती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।